गुड इवनिंग एवरीवन, आज अपन बात करने वाले मैथ की शॉर्ट ट्रिक के बारे में, ठीक है। तो डेली अपन एक क्विक वीडियो आपके लिए अपलोड करता रहूंगा मैं, मैथ की जो शॉर्ट ट्रिक होंगी उनकी, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी मैथ से प्रॉब्लम ना हो। तो आज अपन बात करते हैं स्क्वायर की। तो स्क्वायर को अपन इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं एक ट्रिक के माध्यम से, ताकि आपका टाइम वहां पे वेस्ट ना हो, क्योंकि एग्जाम में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं, सबसे पहले अगर आप लोगों के पास हो 12 का स्क्वायर, एक चीज बता देता हूँ आप लोगों को, आपको 1 से लेके 9 तक के स्क्वायर याद होने बहुत जरूरी है। तो मैं एक बार लिख देता हूँ, सॉरी 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। ये स्क्वायर आपको याद होने जरूरी है इस ट्रिक को करने के लिए। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपके पास हो 12 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे? सबसे पहले इसको स्क्वायर करना है, फर्स्ट स्टेप क्या करना है, इन दोनों का स्क्वायर करना है। स्क्वायर कितना हुआ? 0 की पावर 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। और आपको क्या रखना है, इनको दो डिजिट में रखना है। तो अगर आपके पास आता है 1 की पावर 1, तो आपको इस साइड लगाना है 0, आगे की साइड लगाना है 0, उसके बाद एक बीच में लाइन, इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। इसका स्क्वायर कितना हुआ? 2 की पावर 4, 4 आया अपने पास। तो याद रखें, हमें हर डिजिट को डबल में रखना है, तो इसको यहाँ पे भी लगा दिया 0, ठीक है। अब क्या करना है आगे, जो सेकंड स्टेप है उसमें करना है आप लोगों को इसका इससे मल्टीप्लाई, और इस जो वैल्यू आएगी फिर इसका इससे मल्टीप्लाई। तो 2 एकम 2 वन द 2 प्लस ए मल्टीप्लाई बाय 2, 2 वन द 2 2 टू द 4, अपने पास वैल्यू आई 4। तो आपको यहां पे 4, यहां पे आपको कुछ भी नहीं लिखना है, ये वाली वैल्यू आपको एज इट इज छोड़ देनी है, ठीक है। यहां पे लिखा आपने 4, यहां पे लिखा आपने 0। अब इसको ऐड कर दें, अपने पास आया 1 4 4, ये निकल गई अपनी 12 की स्क्वायर। मैं आप लोगों को 3 और दिखाता हूँ, ताकि आप लोग इजीली समझ सकें। ये तो आप अगर समझ जाएंगे एक बार, तो आप जल्दी जल्दी इसको क्विकली आपको एग्जाम में इसमें निकालने में हेल्प मिलेगी, तो इसको आप सीख लें। अब बात करते हैं आगे, जैसे कि अब 12 के बाद देखते हैं 36 की स्क्वायर निकालना, ठीक है। सेम 3 3 9, 6 6 36 का स्क्वायर निकालना है। तो 3 2 3 6 3 18 18 18 2 36 36 का यहाँ पे 3, यहाँ पे 6 लगाया, ऐड किया इसको, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको अपन ऐड करेंगे, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, और यहाँ पे आप लोग 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 6 की पावर यहाँ पे आएगा 6 6, और 3 9 9 10 11 12, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। 1296 का आंसर है 36 की स्क्वायर का। अब बात करते हैं अगले, आगे चलते थोड़ा सा 50 के आगे की बात करते हैं। अब बात करते हैं 64 की, ठीक है। 64 का स्क्वायर कितना होता है? भाई बहुत टाइम हो जाएगा, अपन कैलकुलेशन करने बैठेंगे, 64 को लिखेंगे इस मेथड से, लिखेंगे 64 बटे 64 416, ये तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो सीधा करना है आपको स्क्वायर, कैसे करना है, 6 6 36 4 4 16 लगाई पावर, ठीक है। 6 4 24 24 को अपन इंटू करेंगे तो कितना आएगा 2 से, तो 24 को इंटू करेंगे 2 से, तो आएगा अपने पास 48। फिर से कैलकुलेट कर लें, यहाँ पे कुछ नहीं लिखना, यहाँ पे कुछ नहीं लिखना, यहाँ पे आप 0 लिख सकते हो, यहाँ पे आप 0 भी नहीं लिख सकते, यहाँ पे 0 लिख रहे कोई दिक्कत नहीं है। 6 का 6 8 और 1 9 9, और यहाँ पे अपने पास 6 4 10, असल भाई 1 3 और 1 4, 96 अपने पास आंसर है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं कि बड़ी डिजिट में कैसे सॉल्व करते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे, ये अब बात करते हैं अपन 96 की, ठीक है। 96 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? तो 96 का स्क्वायर निकालेंगे आपको सिंपली, इसका स्क्वायर 9 9 81, 6 6 36 का स्क्वायर निकाल लिया। अब इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, 6 9 6 9 54 का क्या करना है अपन को, मल्टीप्लाई करना है किससे, 2 से। 54 का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो ये कितना आएगा अपने पास, ये आएगा अपने पास 108 अपने पास आएगा, ठीक है। अब इसको ऐड कर लें, सेम टू सेम रखना है,
यहाँ पे कुछ नहीं लिखना, तो सिक्स का सिक्स रहेगा एज इट इज, एट में थ्री एड किया तो आया कितना अपने पास इलेवन, इलेवन की वैल्यू यहाँ गई, जहाँ तक यहाँ पे इलेवन आया तो वैल्यू कहाँ गई ऊपर गई। अब वन और वन टू और नीचे जीरो तो आया अपने पास टू, और एट और वन नाइन, वन में सोलह, नाइन टू वन सिक्स अपना आंसर है। ठीक है, आज की क्लास ये समाप्त करते हैं। ये ट्रिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली क्लास में मैं अभी कल जो मैं आपको वीडियो अपलोड करूंगा उसमें थ्री की तीन डिजिट का स्क्वायर कैसे निकालते हैं उसकी ट्रिक मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, कल की क्लास में ये सिखाऊंगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।